Mad Max. Hey Mad Max, बहुत दिन हो गया. हमने तुमको $5 million दिया था और तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमें प्रेम सहाय का बनाया हुआ रोबोटिक मैन ला कर दोगे. लेकिन तुम अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया. अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हमारा $5 million वापस कर दो. मैं वही तो करने में लगा हूँ. दिन रात सिर्फ एक ही सपना देखता हूँ. मैंने तुम्हें सपने देखने के पैसे नहीं दिए. डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट ला कर दो मुझे. मेरा सपना उस रोबोट को ही पकड़ने का है और उस सपने को पूरा करेगा ये रोबोट एनाकोंडा. ये क्या करेगा? ये जमीन के अंदर ट्रेवल करेगा और जमीन के ऊपर जो भी ह्यूमन शेप मेटल के रूप में दिखेगा उसे निकल के यहाँ ले आएगा. मेटल का ह्यूमन शेप सिर्फ डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट ही हो सकता है. फिर अब शुरू होता है एक और महासंग्राम जिसका जवाब तुम्हारे पास तो क्या किसी के पास नहीं होगा. बच सकते हो तो बच के दिखाओ. या! ये देखो मेरा शॉट. संभालो. अब इसमें क्या संभालूं? शटल कॉक तो तुमने पेड़ पर अटका दी. तो क्या हुआ? तुम हो ना, जाओ लेकर आओ उसे. ओके. हाँ, ये जमीन के नीचे वाइब्रेशन क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा. बाल बाल बचा. ये तो मेटल का सांप है, यानी कि रोबोट है जो मेरे लिए ही आया है. जरूर मैड मैक्स ने भेजा होगा इसे. हाँ, मैड मैक्स बहुत चालाक है. उसने ऐसा रोबोट भेजा है जो अंडरग्राउंड रह के भी तुम्हें देख सके और पकड़ सके. यही तो प्रॉब्लम है दादाजी, कि वो मुझे देख सकता है लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता. इस प्रॉब्लम का सलूशन तो मेरे पास है. ये लो, एक्सरे विजन ग्लासेस. तुम अपनी रोबोटिक आई पर इन्हें पहन लो, फिर तुम भी उसको डिटेक्ट कर सकते हो. ये हुई ना बात दादाजी. दादाजी, रोबोट तो हमारे घर के नीचे ही है. वीर, तुम अगर जमीन पे चलोगे तो ये तुम्हें फिर से देख लेगा. तो फिर क्या करूं? अभी बताता हूँ. ये हैं जेट शूज. तुम इन्हें पहन के उड़ सकते हो. कुछ स्टेप्स जमीन पे भागो ताकि एनाकोंडा तुम्हें डिटेक्ट करके तुम्हारे पीछे आए. फिर हवा में उड़ जाओ ताकि वो तुम्हें पकड़ ना सके. समझ गए? थैंक यू दादाजी, समझ गया. ये लो रिमोट. जब तुम इसका ग्रीन बटन दबाओगे तो जेट निकल आएगा और तुम उड़ जाओगे. और जब तुम इसका रेड बटन दबाओगे तो ये जमीन पे उतर आएगा. रेड बटन दबाओ. रेड बटन. वो तुम्हें इन शूज की आदत नहीं है. जब हवा में हो तो बॉडी का बैलेंस करना होगा, वरना टेढ़े मेढ़े उड़ते रहोगे. ओके दादाजी. ओके वीर, अब जल्दी जाओ और इसे शहर से दूर ले जाओ. Yeah.
उफ, बाल बाल बचा, बहुत डेंजरस है ये तो। वापस अपने बॉस के पास जा सकते हो बच्चे, गुड बाय। ये क्या किया वीर तुमने? जब वो तुम्हारे कंट्रोल में आ गया था तो उसे दोबारा जिंदा करके छोड़ क्यों दिया? मैंने उसका कंट्रोल चेंज कर दिया है, अब वो मेरा नहीं अपने बॉस का शिकार करेगा। वीर, तुम नाम के ही नहीं सचमुच के वीर हो। लो आ गया मेरा एनाकोंडा रोबोट। मैड मैक्स इज ग्लैड 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 एंड ग्लैड। वेलकम एनाकोंडा, बताओ कहाँ है वीर? सब लोग अपनी अपनी जान बचाओ, क्योंकि अब हमारा एनाकोंडा हमारा नहीं रहा, हमारी जान का दुश्मन बन गया है। बचाओ, बचाओ, बचाओ बॉस। मैड मैक्स इज मैड। थैंक्स बॉस, आपने मुझे बचा लिया। वीर, तुम समझते हो तुम बच गए, लेकिन नहीं, तुम बच नहीं सकते, क्योंकि मेरा महासंग्राम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम खत्म नहीं होगे। डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट है, बॉस को बताना होगा। डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट बच नहीं पाएगा। तू इसमें बैठ जाओ, तुम पानी के अंदर से जाना, और जब प्रेम सहाय का रोबोट सामने हो तो वो रेड बटन दबाना और कहना कि सामने वाले को पकड़ लो। ये रोबोट उसे पकड़ के इसी होल के अंदर ले आएगा, समझ गए? वीर, अब इस महासंग्राम में तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे इस ऑक्टोपस रोबोट के सामने तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। मैड मैक्स इज ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। बॉस, यू आर जीनियस, सुपर डुपर जीनियस। तुम्हें स्कूबा डाइविंग सूट की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास डीप सी डाइविंग सूट है। ओ, मैं भूल गया दादाजी, डाइविंग सूट ऑन।
वीर इमली का ख्याल रखना। ओके दादाजी, बाय। खतरे में, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो मगरमच्छ तुम्हें भी खा जाएगा। मैग्नेटिक नेट। थैंक यू दोस्त, मेरा नाम गोल्डी है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीर है और ये मेरे दोस्त इमली और चुलबुल है। वो देखो बंटी, हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह भी आ गया। अच्छा, तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना है तो मैं छुड़ा देती हूँ। बिजली, क्या ये इंसान तुम्हें तंग कर रहे हैं? दूं क्या करंट के झटके? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे दोस्त हैं, वीर इमली और चुलबुल। वो देखो उधर जो तीन लड़के आ रहे हैं ना, उन्हें देना अपने झटके। लगता है कुछ खतरा है, वरना ये सब इधर भाग के क्यों आ रही है? बॉस, यू आर जीनियस, सुपर डुपर जीनियस। प्रेम सहाय का रोबोट मिल गया। उसे पकड़ के फौरन यहाँ ले आओ। ये तो तिम्बकतू है, किसी रोबोट पे बैठ के मुझे पकड़ने आया है। मैं कुछ करना होगा, वो यही आ रहा है। इमली, चुलबुल, चलो। अब वीर अपने आप पीछे पीछे आएगा। टिम्बकतू, तुम उन्हें छोड़ दो। हाँ, छोड़ दूंगा अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलो तो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, उन्हें जाने दो। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने दोस्तों के लिए खुद की जान को खतरे में डाल रहे हो? दुनिया में दोस्तों से बढ़कर कोई नहीं है। नहीं वीर, ऐसे सरेंडर मत करो। वीर, गोल्डफिश, तुम हमारी मदद करो। वो ऑक्टोपस मेटल का है, अपनी बिजली को बोलो उसे करंट लगाए। बिजली, मैं अभी जाती हूँ। ये क्या कर रहे हो? हटो, हटो मेरे ऊपर से, मैं कहता हूँ हटो। मोना, बचाओ, बचाओ। You are genius, boss. Super duper genius. चुप रहो मोना।
वीर, तुम नाम की ही नहीं सचमुच की वीर हो। इमली ठीक कह रही है वीर, अपना ख्याल रखना और कभी कभी हमसे मिलने भी आया करना। इतनी बड़ी गोल्ड फिश मैं अभी से पकड़ता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। भागो, मामे! ये क्या हो रहा है? बॉस, ये क्या हो रहा है बॉस? आज आपके सारे बार उल्टे पड़ रहे हैं। बॉस, वीर जैसे आपके रोबोट को हरा रहा है, लगता है इस महासंग्राम में हार आप ही की होगी। चुप रहो टिम्बक्टू, ऐसा नहीं हो सकता है। मैड मैक्स कभी नहीं हार सकता। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि वीर मेरे रोबोट्स को पहचान भी नहीं पाएगा। क्या प्लान है बॉस? मैंने कुछ ऐसे फ्रिज, फैन, माइक्रोवेव ओवन, कूलर बनाए हैं जो एक साथ मिलकर टीम सहाय के रोबोट को ढूंढ के पकड़ेंगे और यहाँ ले आएंगे। बॉस, यू जीनियस, यू सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री। आइए आइए, ले जाइए, ये स्टॉक क्लियरेंस है। एक पे एक फ्री, ले जाइए ले जाइए। मुझे अवन चाहिए, मुझे कूलर दे दो, मुझे फ्रिज दो, मुझे फ्रिज दो। ले जाइए। मम्मी ने आज किसी से दो फैन खरीदे थे, वो फैन नहीं रोबोट है। मैं अभी आता हूँ, जरूर ये मैड मैक्स की कोई चाल होगी। वीर, वो दो फैन इस तरफ ही आ रहे हैं। इमली तुम कहीं छुप जाओ, जल्दी, ये रोबोट ही है। हाँ, मैं और वीर सब संभाल लेंगे। तुम्हारे वीर को कोई बचा नहीं सकता। बचाओ वीर! एक्सरे विजन ऑन। वीर, मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। हेलो बॉस, वीर को पकड़ लिया है, वो आ रहा है।
I'm glad, very, very glad. कैसा फ्रिज है? बचाओ! चल बोल, यहाँ से निकल जाओ, जल्दी! दादाजी अब ठीक है ना? Wingsuit on. शाबाश वीर। शाबाश वीर। ओ टिम्बकटू, हाउ आर यू? Not fine. Thank you. Hello? क्या हुआ? बॉस, बॉस वही हुआ जो हमेशा होता है. वीर नाम का ही नहीं, सचमुच का वीर है. टिम्बकटू हो रहा है अब उड़न छू. Over and out. Mad Max is mad! Very, very mad! बहुत हो गया वीर, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा. इस महासंग्राम को खत्म करने का समय आ गया है. अब तक तुमने फुर्सतगंज को बचाया है, अब फुर्सतगंज को तुमसे कौन बचाएगा वीर? अब तुम ही फुर्सतगंज के लिए सबसे बड़ा खतरा बनोगे. ये अचानक बिना बादल के ही आसमान में बिजली क्यों चमकने लगी? चलो दादाजी के पास चलकर पूछते हैं. ठीक है वीर. लगता है कि कोई बिजली के साथ कुछ ना कुछ खेल कर रहा है, वरना सूखे आसमान में बिजली कभी नहीं चमकती. Very, very glad. अब मेरे पास आसमानी बिजली का पावर आ गया है. टिम्बकटू तैयार हो जाओ, अब वीर को खत्म करने का टाइम आ गया है. आ!
रुक जाइए, वापस मुड़िए, वहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं। आपको चोट तो नहीं लगी ना? आपको रोड क्रॉस करना है? आइए मैं करा देता हूँ। बेटा, मेरी मदद ही करना चाहते हो ना, तो मुझे घर तक पहुँचा दो। यहाँ पास ही में मेरा घर है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। अब तुम्हें देर हो रही होगी, तो तुम वापस लौट जाओ। लेकिन जाने से पहले मुझे फ्रिज से निकाल कर एक बोतल पानी दे के जाना। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। शाबाश टिम्बकटू, आज तुमने कोई गलती नहीं की। अब फिर हमारे कब्जे में है। अब ये नाचेगा मेरे इशारों पर। वेट, अभी तक तुम जिन लोगों के लिए एक हीरो थे, अब उन्हीं के लिए तुम एक विलन बन जाओगी, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। वीर, तुम्हारा बॉस कौन है? आप हो बॉस। फाइनली अब वीर मेरा हो गया। वीर, जाओ और डॉक्टर प्रेम सहाय को खत्म कर दो, ताकि वो कोई दूसरा वीर जैसा रोबोट ना बना सके। जाओ। ओके बॉस। ये क्या कर रहा है? वीर तो ऐसा कभी नहीं था। ये वीर ही है ना, कोई दूसरा तो नहीं। वीर का हम शक्ल, ये हीरो नहीं, ये तो विलन है। ये वीर ही है। अब यहाँ से भागो, जल्दी दादाजी के पास चलो। दादाजी, दादाजी, वीर। मैं ठीक हूँ, लेकिन वीर ठीक नहीं है। उसे किसी तरह रोकना होगा, वरना वो कुछ ही पल में पूरा फुर्सतगंज तबाह कर देगा। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है दादाजी, जैसे उसका टारगेट आप हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके सिस्टम में किसी ने जरूर कुछ चेंज किया है। अब उसे कैसे रोका जाए, ताकि मुझे उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। मैं उसे रोकूंगी दादाजी, मैं वीर से लड़ूंगी। रुको इमली, तुम इस तरह वीर को नहीं रोक सकती, उसके अंदर रोबोटिक पावर है। जैकेट पहन लो, अब तुम में भी पावर्स आ जाएंगी। तुम बस उसे किसी तरह उलझा कर रखो, तब तक मैं कुछ हल निकालता हूँ। ओके दादाजी। हाँ?
इमली, वीर के चार्जिंग स्लॉट में एक रेड चिप लगी है, उसे निकालो। ओके। दादाजी क्या हुआ, हम यहाँ क्यों हैं? सब टूटा फूटा क्यों है यहाँ? वेलकम बैक वीर। इमली, तुमने बड़ी बहादुरी से एक बहुत बड़ा काम किया है। आखिर हुआ क्या है ये तो बताइए। वीर, ये एक लंबी कहानी है, घर चल के बताता हूँ। बॉस ये क्या, आप वीर का फिर से कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लगता है इस महासंग्राम में आपकी हार तय है। चुप रहो टिम्बक्तु। बॉस, ये क्या हो रहा है बॉस? लगता है एक के बाद एक हार से बॉस सच में मैड हो गए हैं। चुप रहो टिम्बक्तु। वीर को क्या लगता है कि वो इस महासंग्राम में जीत जाएगा? वो मुझसे कभी नहीं जीत सकता। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि वीर मेरे रोबोट्स को पहचान भी नहीं पाएगा। कैसा प्लान बॉस, हमें भी तो बताइए। जानते हो टिम्बक्तु, इस हीटिंग गैजेट में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा सकता हूँ। मैं समझ गया, फुर्सतगंज का टेम्परेचर बढ़ा के आप एसी और कूलर बेचना चाहते हैं। लेकिन बॉस बॉस, मैं आइसक्रीम बेचूंगा, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छा। मैं इसे फुर्सतगंज के पीछे जो वॉल्केनो है उसके अंदर और नीचे लगा दूंगा, ज्वालामुखी फटने के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही काफी है। मैं इसे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दूंगा और फिर पूरा फुर्सतगंज ज्वालामुखी के लावे में बढ़ के खत्म हो जाएगा और उसके साथ वीर भी खत्म हो जाएगा। वीर, जिस फुर्सतगंज के लिए तुम इतना करते हो, अब वो फुर्सतगंज ही नहीं रहेगा। You are genius, boss. Super duper genius. Meow. Ah. वो हीटिंग गैजेट वॉल्केनो के नीचे रख के ऑन किया कि नहीं? ऑन कर दिया है बॉस। अब मेरी बारी है। किसने मारा? ये गिल्ली डंडा कौन खेल रहा है? अब ये कौन सा गेम है? वॉल्केनो से धुआं निकल रहा है। ये वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ तो पूरा फुर्सतगंज खत्म हो जाएगा। मैं तो अभी फुर्सतगंज छोड़ के भाग रहा हूँ। मुझे जाके देखना पड़ेगा ये वॉल्केनो कैसे ब्लास्ट हो रहा है। इस इलाके में तो हजारों साल से कोई वॉल्केनो ब्लास्ट नहीं हुआ। मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन। Oh!
एक्सरे विजन ऑन। एक्सरे विजन ऑन। दादाजी, इस वोल्केनो के नीचे कोई गैजेट जैसा नजर आ रहा है, मैं उसकी इमेज आपको रिले कर रहा हूँ। वीर, वो गैजेट इस धरती के नीचे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ये जरूर मैड मैक्स की चाल है। ड्रिलिंग सूट ऑन। ड्रिलिंग सूट ऑन। आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। बॉस बॉस, उस मशीन का टेम्परेचर एकदम बढ़ा दो, वीर वही खत्म हो जाएगा। उस मशीन से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, एक साथ बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उसे ब्लास्ट कर दिया जाए। लेकिन ब्लास्ट कैसे होगा बॉस? टिम्बकटू, तुम मेरे एक रोबोट के साथ ये लेकर हमारे सीक्रेट टनल से जाओ और इसे हीटिंग गैजेट के बगल में रख के रिमोट से इसे ब्लास्ट कर देना, तो एक साथ सारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वॉल्केनो ब्लास्ट हो जाएगा, उसी के साथ ही वीर खत्म हो जाएगा। कोई नहीं बचा सकता। बाय बाय। जल्दी करो वीर। वाव, इतने ऊपर से कैसे आए? वोल्केनो से पूछो, वो तो सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ा है। वीर, बाहर निकल आओ, अब कुछ नहीं हो सकता। लीडर डेंजर साइन तक पहुंच गई है। नहीं दादाजी, मैं बाहर नहीं निकल सकता, वोल्केनो ब्लास्ट हो गया तो पूरा फुर्सत गंज खत्म हो जाएगा, मुझे आखिरी सेकंड तक ट्राई करना होगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। दादाजी, मिशन अकॉम्प्लिश। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा प्लान फुल प्रूफ था। वीर, मैं तुम्हें देख लूंगा। लीटन है, जरूर वोल्केनो के नीचे जाती होगी। वीर, वो मशीन बंद हो गई। हाँ, सब ठीक हो गया है, चलो। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। You are right, boss. Meow. चुप रहो कैट मोना। वीर क्या समझता है कि उसने मुझे हरा दिया? अभी तक ये मुकाबला एक तरफा था, लेकिन अब नहीं। लेकिन बॉस, मुकाबला तो एक तरफा ही है। मुझे तो अब भी लगता है कि आप ये महासंग्राम
हार के ही रहेंगे। नहीं, मैड मैक्स कभी हार नहीं सकता। इस बार मेरे पास ऐसा आइडिया है जिसके सामने वीर की हार पक्की है। आज तक वीर मेरे रोबोट से लड़ रहा था, लेकिन इस बार उसको सेवन प्लैनेट्स की पावर से लड़ना होगा, जिसके सामने वो कुछ नहीं कर सकता। वो कैसे बॉस? अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो सात प्लैनेट्स की पावर से इस क्रिस्टल बॉल में आ जाएंगी। Yes! Now I am the most powerful man in the world! Congratulations, boss! अगर स्प्रे नहीं होता तो हम सब हवा में फ्रीज हो जाते और ये लैब गायब हो जाता। तुम बेवकूफ हो, जाओ उस क्रिस्टल बॉल को पकड़ के ला। आप बिजी हैं तो हम कुछ बाहर से खाएं। अजी बहुत भूख लगी है, अगर आप बिजी हैं तो हम कुछ बाहर से खाएं। घर से बाहर मत निकलो, वो देखो। दादाजी ये क्या है? ये 7-in-1 प्लेनेट है। सात प्लेनेट्स की पावर्स उस क्रिस्टल बॉल में है। तमाम साइंटिस्ट इस पे सालों से रिसर्च कर रहे हैं। लगता है किसी की रिसर्च पूरी हो गई है, लेकिन ये क्रिस्टल बॉल उसके हाथ से निकल गया है। दादाजी वो उस तरफ अंधेरा क्यों है? ये इसी क्रिस्टल बॉल की पावर्स की वजह से है। पूरी धरती में आधी रोशनी और आधा अंधेरा हो गया है। ये अंधेरे की तरफ जा रहा है और वहाँ पहुँच गया तो पूरी धरती भी इसमें समा जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दादाजी लेकिन इंसान और जानवर तो इसमें नहीं समा रहे हैं। वो देखो सब हवा में फ्रीज हो रहे हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स को अपने अंदर सक कर लेता है और लिविंग थिंग्स को बाहर ही हवा में फ्रीज कर देता है। अगर ये फुर्सतगंज के अंधेरे वाले हिस्से में चला गया तो हर इंसान और जानवर हवा में फ्रीज होके उड़ता रहेगा और बाकी सब गायब हो जाएगा। वीर तुम जाओ और किसी तरह उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। मैं अभी जाता हूँ दादाजी। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। तो इसके पीछे मैड मैक्स का हाथ है। वो क्रिस्टल बॉल मेरा है, मेरा। दादाजी मैं उसे नहीं पकड़ पाया। उसे पकड़ते ही इतने जोर का झटका लगा कि मैं कई मील दूर आसमान में उड़ गया। तुम्हें 7 प्लैनेट्स की पावर्स का मुकाबला करना है। ये एक वीर नहीं, 7 वीर को एक साथ करना होगा। मैं तुम्हारे 7 अलग-अलग पावर्स वाले 7 क्लोन बना देता हूँ। ओके दादाजी, हम जाके उसे पकड़ के लाते हैं। जल्दी जाओ वीर, वो फुर्सतगंज में अंधेरे वाली जगह में एंटर करने वाला है। ये क्या हो गया? इधर अंधेरा क्यों है? अरे रोशनी की तरह भागो। कम ऑन वीर, जल्दी जल्दी करो। दादाजी ये लो क्रिस्टल बॉल।
अगर इस क्रिस्टल बॉल से प्लैनेट्स की पावर वापस हो गई तो दोबारा नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। वीर, बस थोड़ा और समय चाहिए, उन्हें रोक के रखो। ये तो बहुत बड़ा रोबोट बन गया। वो क्रिस्टल बॉल ले आओ, ले आओ। वीर, कुछ देर और, सिर्फ दो प्लेनेट की रेस बाकी है। यस यस, उठा लो उसे जल्दी। एक्स्ट्रा पावर ऑन, एक्स्ट्रा पावर ऑन। वीर, अपना काम हो गया, अब ये क्रिस्टल बॉल बेकार है। डॉक्टर सेन साहब, मैं फिर आऊंगा। वीर वीर, वो क्रिस्टल बॉल कहाँ गया? ये बहुत लंबी कहानी है, चलो घर चल के बताता हूँ।